हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 मैथ्स चैप्टर 1 के सेट्स चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज न्यू सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। डिसाइड अमंग द सेट्स विच आर सबसेट्स ऑफ वन अनदर। नाउ सबसेट का क्या मीनिंग होता है? एक सेट जब दूसरे सेट से छोटा होता है तो उसे सबसेट कहते हैं। तो बी सी डी तो बड़े क्लियर दिख रहे हैं, पर ए को हमें पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो इसके लिए हमें दे रखा है कि एक्स सच दैट एक्स इज रियल नंबर और इसके फैक्टर से x निकलेगा। तो पहले काम करते हैं, इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर हमारे फैक्टर हो गए 6 2 12। तो ये हम अपने फैक्टर्स कर लेते हैं। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई, एक हो गया x माइनस 6 फैक्टर और एक हो गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप कह सकते हो x माइनस 6 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू 6 आ गई, और x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू 2 आ गई। इसका मतलब हमारे पास जो ए सेट बन गया यहां पर, वो ए सेट में क्या एलिमेंट आ गए? 2 और 6। अब जो बी सेट है वो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, दैट इज 2 4 और 6। और जो सी सेट है हमारे पास वो है 2 4 6 8 - एक इनफाइनाइट सेट है, और डी सेट हमें दिया हुआ है 6। हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा सेट किससे छोटा है। तो देखिए, ये जो सेट है, ए सेट जो है वो बी सेट से छोटा है, तो हम कह सकते हैं ए सबसेट है बी का। सिमिलरली इसके सारे एलिमेंट आपको सी में भी मिल जाएंगे। तो ए जो है वो छोटा है सी से भी, है ना। इसका मतलब क्या है? छोटा, बैक का मतलब है वो स्मॉल सेट है, और जिसकी साइड मुंह खुला हुआ है वो बड़ा सेट है। अब ए सेट जो है वो डी से भी बड़ा है, तो ए सबसेट है, सॉरी ए सबसेट नहीं है डी का, ए तो बड़ा है डी से। तो इसका मतलब ए सबसेट हो गया बी का और ए सबसेट हो गया आपके पास सी का। फिर बी की बारी आती है। अब बी किससे छोटा है? सी से। तो बी सबसेट है सी से, मतलब सी बड़ा है, बी के सारे एलिमेंट आपको सी में मिल जाएंगे, ठीक है। तो बी सबसेट है आपके पास सी का। अब डी की बारी आई, तो डी सबसे छोटा है, तो डी सबसेट है ए का भी, डी सबसेट है बी का भी, और डी सबसेट है सी का भी। अब क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझेंगे। हमें ट्रू और फॉल्स जो है वो बताना है इस क्वेश्चन में, और साथ ही साथ जस्टिफिकेशन भी देना है किस तरीके से ट्रू और फॉल्स होगा। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ एक एलिमेंट है जो ए में बिलोंग करता है, और ए पूरा का पूरा सेट बी में बिलोंग करता है। देखिए, बिलोंग का मतलब होता है उस एलिमेंट का उस सेट के अंदर चला जाना, और हमें प्रूव करना है क्या एक्स बिलोंग करेगा बी से। तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं, उससे ज्यादा अच्छे तरीके से ये वेरीफाई हो पाएगा। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक सेट ले लेते हैं ए फर्स्ट पार्ट के लिए। हमने उसमें एलिमेंट ले लिया 1, 2। अब इसने एक चीज बोली है कि एक एलिमेंट ए में है और पूरा का पूरा ए जो है वो आपके पास बी में है। इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, यहां पे 3 ले लिया और पूरा का पूरा क्योंकि ए के अंदर है ये हमने ले लिया। अब ध्यान से सुनिएगा, इसने आपको बोला एक एलिमेंट जो है वो ए में है, फॉर एग्जाम्पल 2 जो है वो ए के अंदर है, बिल्कुल सही। और पूरा का पूरा ए अब देखिए बी के अंदर हमने ले लिया, ए एलिमेंट जो है वो पूरा का पूरा किस में चला गया? बी के अंदर। तो इसकी ये दोनों बातें हमने वेरीफाई कर ली। अब हमें चेक करना है देन के बाद, क्या ये जो एक्स एलिमेंट है ये बी में बिलोंग करेगा? बिल्कुल नहीं। ध्यान से सुनिएगा, मतलब हमें ये चेक करना है क्या 2 एलिमेंट बी में बिलोंग करेगा? नहीं। अगर आपसे बी के एलिमेंट पूछे जाए तो 3 बिलोंग्स टू बी हो सकता है, या फिर ये बिलोंग्स टू बी हो सकता है, या फिर 4 बिलोंग्स टू बी हो सकता है। ये पूरा का पूरा अब एक एलिमेंट है, पूरा का पूरा, इसको आप बिल्कुल भी सेपरेट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट आपको मेंशन थी कि अगर x बिलोंग करेगा a से, यानी 2 बिलोंग करेगा a से, और ये पूरा का पूरा b के अंदर चला जाएगा, तो फिर इसका जो एलिमेंट होगा उसे आप तोड़ नहीं सकते। आप ये नहीं बोल सकते 1 बिलोंग्स टू बी, 2 बिलोंग्स टू बी, बिल्कुल नहीं। ये पूरा का पूरा सेट बिलोंग्स टू बी, तो 2 या 1 बी से बिलोंग नहीं करते। इसका मतलब आपके पास ये वाली स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, राइट। फिर बारी आती है सेकंड स्टेटमेंट की। इसमें कहता है ए सबसेट है बी का, ठीक है, और बी बिलोंग करता है सी से, यानी बी का पूरा सेट चला गया सी में। तो पहले ए ले लेते हैं। ए हमने एक सेट ले लिया, फॉर एग्जाम्पल 1, 2, और बी हमने लेना है इसे थोड़ा बड़ा, क्योंकि हमें ये शो करना है कि ए जो है वो सबसेट है बी का। आप देख सकते हो यहां पर ए सबसेट है बी का। अब हमें क्या करना है? बी बिलोंग्स टू सी, यानी सी सेट के अंदर ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट के तौर पर चला जाना चाहिए। ये देखिए, बिलोंग का मतलब होता है वो पूरा का पूरा इसके अंदर चला जाएगा। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल हमने इसमें ये एलिमेंट ले लिया, ठीक है। अब हमने इसकी पहली वाली बात और दूसरी बात वेरीफाई कर ली कि ए सबसेट है बी का, और बी पूरा का पूरा किसमें चला गया? सी से। अब हमें यह देखना है क्या ए बिलोंग करेगा सी से? क्या ऐसा कोई एलिमेंट इसके अंदर है? बिल्कुल नहीं। इसके एलिमेंट कौन कौन से? एक ये एलिमेंट है,
एक 4 है, एक 5 है, एक 7 है, मतलब ए सी से बिलोंग नहीं करेगा, ए डजंट बिलोंग्स टू सी। इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, फॉल्स है, राइट। चलिए देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट में क्या कहता है, ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है सी का, तो प्रूव करना है क्या ए सबसेट होगा सी का। तो चलिए एक सेट ले लेते हैं, ए ले लिया हमने 1, 2 और बी हमने लेना इससे बड़ा, क्योंकि हमें ऐसा कुछ सिचुएशन में आने कि ए सबसेट है बी का। अब हमने सी ले लिया, अब बी सबसेट है सी का लेना है तो बी थोड़ा सा और बड़ा ले लिया। अब देखिए हमें गिवन था कि अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है सी का, आपको ये चेक करना है क्या ए भी सबसेट होगा सी का। सबसेट मीन्स छोटा, बिल्कुल सही बात है, अगर ए सबसेट होगा बी का, बी सबसेट होगा सी का, तो डेफिनेटली ए सबसेट होगा सी का। तो इसका मतलब यहां पे आप कंक्लूड कर सकते हो कि ए सबसेट है सी का, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपके पास क्या है, डेफिनेटली ट्रू है। अब जो फोर्थ वाला पार्ट है वो बिल्कुल अपोजिट है थर्ड वाले पार्ट का। क्या कहता है कि अगर ए सबसेट नहीं होगा बी का, बी सबसेट नहीं होगा सी का, तो फिर ए भी सबसेट नहीं होगा सी का। तो ये जरूरी नहीं है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो अगर आपके पास एक भी ऐसा एग्जांपल है जो किसी बात को फॉल्स प्रूफ करता है, तो स्टेटमेंट फॉल्स ही मानी जाती है। एक भी एग्जांपल हो, मान लो आपके पास 4 एग्जांपल ऐसे हैं जो इस स्टेटमेंट को ट्रू बताते हो, लेकिन एक एग्जांपल भी ऐसा है जो इसको फॉल्स बताता है, तो फॉल्स ही है। तो चलिए आपके पास एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें ए बी का सबसेट नहीं होगा और बी भी सी का सबसेट नहीं होगा, बट ए सबसेट होगा सी का। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास ए हमने ले लिया फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3 और बी हमने ले लिया 2, 3, 4 और सी यहां पर हम ले लेते हैं, ए हमने ले लिया 1, 2, 3, बी ले लिया 2, 3, 4 और सी हम यहां ले लेते हैं 2, 1, 3, 5, 7। अब आप देखिए ए सबसेट है बी का, बिल्कुल सॉरी, इसमें हम ए सबसेट नहीं है बी का, देखिए ए सबसेट नहीं है बी का, यहां पर ए सबसेट नहीं है बी का और ना ही बी सबसेट है सी का, लेकिन ए यहां पर सबसेट है सी का क्योंकि ए के जो एलिमेंट है वो आपको इसमें नजर आ रहे हैं। तो कोई जरूरी तो नहीं है ना कि अगर ए बी का सबसेट ना हो, बी सी का सबसेट ना हो, तो ए भी नहीं होगा, कोई जरूरी नहीं है। तो जो ये कह रहा था, ये तो कह रहा था ए भी सबसेट नहीं होगा, तो ये आपको क्या कह रहा है, फॉल्स स्टेटमेंट इशू कर रहा है, राइट। चलिए देखते हैं इसके बाकी के दो पार्ट। अब इसमें क्या कहता है, एक एलिमेंट है जो ए में है और ए सबसेट नहीं है बी का, तो हमें चेक करना है क्या वो एलिमेंट बी में होगा। चलो एक सेट ले लेते हैं ए, फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, एक सेट ले लेते हैं ए फॉर एग्जांपल 1, 2, 3 और एक बी सेट ले लेते हैं 3, 5, 6, 7, 8। अब ध्यान से समझिएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए, फॉर एग्जांपल 2A से बिलोंग कर रहा है, राइट, और ए सबसेट भी नहीं है बी का, क्लियरली दिख रहा है यहां पर ए सबसेट भी नहीं है बी का, तो आपको चेक करना है क्या ये एलिमेंट बी में होगा। देखिए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, जैसे देखो 2B में नहीं है, लेकिन अगर मैं लेती 3A में है और ए बी का सबसेट भी नहीं है, लेकिन 3 आपको बी में भी मिल जाएगा। तो हो भी सकता है कि अगर कोई एलिमेंट ए में है लेकिन बी में ना हो, और ए में होने पर बी में ना मिले, ये भी पॉसिबिलिटीज है, मतलब हाँ भी हो सकता है ना भी हो सकता है इसका जवाब। यानी एक एग्जांपल भी अगर ऐसा हो सकता है तो हम इसको क्या बोलेंगे, फॉल्स बोलेंगे, राइट। चलिए लास्ट देखते हैं, इसमें ए सबसेट है बी का, तो चलिए एक सेट ले लेते हैं 1, 2, 3 और एक बी सेट ले लेते हैं 1, 2, 3, 4। यहां पर ए सबसेट है बी का हमने बनाया। अब कोई एलिमेंट अगर बी में होगा फॉर एग्जाम्पल, तो वो ए में ना हो, ऐसा हो सकता है। अब देखिए 4 जो है यहां बी में है, लेकिन 4 आपको ए में नहीं मिलेगा, ये ऑब्वियस बात है। अब देखिए 3 इसमें है, इसमें मिल जाएगा, 2 है, इसमें मिल जाएगा, लेकिन क्योंकि ये बड़ा सेट है, तो ऐसे कुछ एलिमेंट बी में हो सकते हैं जो ए में आपको कतई ना मिले, तो ये पॉसिबिलिटी है। तो ये स्टेटमेंट आपके पास क्या हो गई, ट्रू हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब थर्ड क्वेश्चन जो है वो हमें थोड़ा ध्यान से देखना है। तो देखिए इसमें क्या कहता है, लेट ए बी सी आर सेट सच दैट ए यूनियन बी ए यूनियन सी के इक्वल है और ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है, और हमें प्रूव करना है बी और सी इक्वल है। ऐसे क्वेश्चन में जिसमें यूनियन और इंटरसेक्शन इक्वल दिए हूं, तो उसमें ध्यान से कैसी अप्रोच फॉलो करनी है, पहले यूनियन ले लो, ए यूनियन बी हमें किसके इक्वल दिया हुआ है, ए यूनियन सी के। अब हमें कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन का इस्तेमाल तो करना ही करना है ना, तो हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन यहां पर इम्पोज करना है। कैसे,
एक बार बोथ साइड इंटरसेक्शन बी अप्लाई करूंगी और एक बार बोथ साइड इंटरसेक्शन सी अप्लाई करूंगी, ताकि इस इंफॉर्मेशन का यूज भी हो जाए और इक्वल प्रूफ भी हो जाए। अगर यहां ए इज इक्वल टू बी होता तो बोथ साइड पहले इंटरसेक्शन ए और फिर इंटरसेक्शन बी इंपोज करते। तो अब देखिए हम यहां पे लिखेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली यहां पर हम करेंगे इंटरसेक्शन बी। ऐसे जैसे बी करा है ऐसे ही अगली बार हम क्या करेंगे इंटरसेक्शन सी करेंगे। चलिए अब यहां पे लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कैसे लगाएंगे ध्यान सुनिएगा, ए इंटरसेक्शन बी ठीक है एंड बी इंटरसेक्शन बी, और जो ये यूनियन है ये बीच में आ जाएगा। क्लियर। सिमिलरली देखिए ए इंटरसेक्शन बी सी इंटरसेक्शन बी, और जो ये वाला यूनियन था ये आ गया बीच में। ठीक है अब ध्यान से देखेंगे बी का बी के साथ अगर आप कॉमन निकालोगे इंटरसेक्शन निकालोगे तो क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। तो ये एज इट इज और यहां पर क्या आ गया आपके पास बी, क्योंकि बी इंटरसेक्शन बी क्या होगा बी होगा। क्लियर। अब यहां पे हमने रहने दिया ए इंटरसेक्शन बी, और इसको सी इंटरसेक्शन बी हो या बी इंटरसेक्शन सी हो एक ही बात है। इसे हम ध्यान से समझेंगे। देखिए अब ए इंटरसेक्शन बी अगर आप करते हैं कोई भी दो सेट है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ए है 1 2 और बी है हमारे पास 1 2 3 ठीक है। अब आप ए इंटरसेक्शन बी निकालिए कितना आ जाएगा 1 2 आ जाएगा। ठीक है अब 1 2 आपके पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी। अब उसका अगर आप बी के साथ यूनियन निकालोगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा पूरा बी आ जाएगा ना। देखिए ए इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा है आप देखिए कितना आएगा 1 2। अब इसका अगर बी के साथ यूनियन निकालोगे तो क्या आ जाएगा बी, यानी इस एक्सप्रेशन का आंसर कितना हो गया बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है सॉरी बी इंटरसेक्शन है ये। तो ये हमने फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज छोड़ दी। अब सिमिलरली एक बार फिर से ये पिक करेंगे और बोथ साइड क्या अप्लाई करेंगे एक बार इंटरसेक्शन सी अप्लाई करेंगे। तो इस बार इंटरसेक्शन सी बोथ साइड अप्लाई कर दी। अब प्रॉपर्टी लगाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो ए इंटरसेक्शन सी और फिर बी इंटरसेक्शन सी ठीक है जी, और बीच में आ जाएगा यूनियन। सेम ए इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन सी, और बीच में कौन आ गया यूनियन आ गया। अब हमें पता है कि ए इंटरसेक्शन सी जो था क्वेश्चन में वो ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल था, ये देखिए क्वेश्चन में गिवन है जिसका अभी तक यूज नहीं किया हमने। तो यहां पर ए इंटरसेक्शन सी को हमने लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब यहां पर आ जाइए ये एज इट इज सी इंटरसेक्शन सी, सी का सी के साथ कॉमन लोगे तो सी आ जाएगा ठीक है ना। सेम अगर हम ए इंटरसेक्शन सी करें तो ए और सी के कॉमन एलिमेंट आ जाएंगे, फिर अगर हम उसका सी के साथ यूनियन करें ठीक है। अब एक एग्जांपल के तौर पे ये ए सेट है और इसको हम ले लेते हैं सी सेट, सेम अप्लाई यहां होगा। अब देखिए अगर हम ए इंटरसेक्शन सी करें तो 1 2 आ गया, ये 1 2 आ गया। अब इसका सी के साथ अगर आप यूनियन लोगे, यूनियन मतलब दोनों के एलिमेंट, तो क्या आ जाएगा आपके पास सी आ जाएगा। तो आपके पास अगर ध्यान से देखेंगे ये इक्वेशन 2 आपके पास आ गई है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 एकदम सेम है। देखिए ये देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड सेम है एकदम, तो ये बी के इक्वल है ये सी के इक्वल है। तो बाय 1 एंड 2 से हम क्या कह सकते हैं बी जो है वो सी के एकदम इक्वल है राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है शो दैट 4 कंडीशन आर इक्विवेलेंट। इसका मतलब ये चारों कंडीशन एक दूसरे को जस्टिफाई करती हैं, यानी अगर ए सबसेट होगा बी का तो ये तीनों चीजें एग्री करेंगी, और अगर ए माइनस बी 5 के इक्वल है तो ये तीनों चीजें आपस में एक दूसरे को वेरीफाई करेगी। तो हम यहां पर सिर्फ पहले वाली को अज्यूम कर लेते हैं और प्रूव करके दिखाएंगे बाकी तीनों भी इसी पर डिपेंडेंट है। आप कोई भी एक अज्यूम करिए बाकी सारी ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएंगी। तो लेट कर लेते हैं ए सबसेट है बी का पहली वाली कंडीशन में। तो अगर ए सबसेट है बी का तो हमने ए ले लिया 1 2 और बी यहां पर ले लिया 1 2 3 ठीक है। अब यहां पर आपको दिख रहा है कि ए सबसेट है बी का, तो अगर इफ ए सबसेट है बी का तो आप देखिए a माइनस b क्या होता है, a में से b वाले एलिमेंट माइनस कर दो तो 1 भी माइनस कर देंगे 2 भी माइनस कर देंगे, तो बचेगा क्या एम्प्टी सेट बचेगा यानी 5 बचेगा। तो सेकंड कंडीशन भी वेरीफाई हो गई। अब थर्ड में हमें क्या करना है a यूनियन b लेना है। तो चलिए यूनियन में क्या होता है सारे एलिमेंट आ जाते हैं, तो a के पहले एलिमेंट लिख देते हैं, फिर 1 2 दोबारा नहीं लिखते क्योंकि ऑर्डर जो है मैटर नहीं करता और ना ही रिपीटेशन मैटर करती है। तो ए यूनियन बी आ गया 1 2 3 विच इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू बी। तो ए यूनियन बी आपके पास किसके इक्वल आ गया बी के, ये भी थर्ड कंडीशन भी वेरीफाई हो गई। नाउ फोर्थ कंडीशन ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन ले लीजिए इसमें से क्या कॉमन है 1 कॉमन है 2 कॉमन है, तो यहां आ गया 1 2 तो ये किसके इक्वल आ गया ए के इक्वल आ गया, तो ये भी वेरीफाई हो गई। तो चारों कंडीशन एक दूसरे को क्या करती है सपोर्ट करती है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें हमें शो करना है ए
अगर सबसेट है बी का तो सी माइनस बी भी सी माइनस ए का सबसेट होगा। तो ध्यान से समझते हैं, सबसे पहले कोई भी एक एलिमेंट लेट कर लेते हैं कि वो सी माइनस बी में है, सी माइनस बी वाले सेट में एक एक्स एलिमेंट है। इसका मतलब ये होता है कि वो जो एक्स एलिमेंट है वो सी में तो है बट वो एलिमेंट बी में नहीं है, ये इस लाइन का यही मतलब होता है। अब ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हमें दे रखा है ए छोटा है बी से, अगर कोई एलिमेंट बी में नहीं मिलेगा तो वो ए में तो पक्का नहीं मिलेगा। देखो अगर मैंने ये आपके सामने ए सेट लिखा 1 2 और ये बी में लिखा 1 2 3, अब ये ए सबसेट है बी का। अब अगर मैं कह रही हूं कि कोई एलिमेंट बी में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल 4 यहां नहीं है, तो ए में तो पक्का नहीं मिलेगा। तो अगर इसी बात पे हम जाएं कि एक्स बिलोंग्स टू सी और एक्स में बी एलिमेंट नहीं है, तो ऑब्वियस बात है कि वो ए में तो आपको नहीं मिलेगा। इसका रीजन है ए सबसेट है बी का। तो आप ध्यान से देखिएगा, इसी चीज को हमने लिख दिया एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस ए। तो इसी चीज को कि वो एलिमेंट सी में है ए में नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे, नॉट के लिए हम क्या लिख देते हैं, माइनस। अब ध्यान से सुनिए, अगर कभी भी ऐसा हो कि आपने प्रूफ स्टार्ट किया हो कि कोई एलिमेंट ए में है और वो एलिमेंट आपको बी में भी मिल जाए, तो ऐसा तभी होगा जब ए जो है वो छोटा सेट हो जाए बी का, क्योंकि हर एलिमेंट जो ए में था वो बी में मिल गया। इसका मतलब बी बड़ा सेट हो गया तो ए सबसेट हो गया बी का। तो हमने स्टार्ट क्या किया था कि एक्स जो है वो सी माइनस बी में बिलोंग करता है और वो सारे एलिमेंट जो सी माइनस बी में थे वो सी माइनस ए में हो गए। इसका मतलब सी माइनस ए सी माइनस बी से बड़ा है, यानी सी माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए। अगर आपको हमारे वीडियो यूजफुल लगे तो अपना कीमती समय निकाल कर इन्हें शेयर जरूर करिए, अपना कीमती फीडबैक दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विवा क्लासेस।